एससी वर्मा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का न्यूमेरिकल 25। एन एयर बबल ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर इज फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ 3.3 मीटर डीप रिवर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बबल एज इट कम्स टू द सर्फेस। एटमोस्फेरिक प्रेशर इज गिवन 1 × 10⁵ पास्कल। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg/m³। तो एक रिवर है, रिवर के बॉटम में यहाँ पे एक ड्रॉप होगा, एयर ड्रॉप, जिसकी रेडियस 2 मिलीमीटर होगी। मतलब रेडियस दी मतलब इसका कुछ वॉल्यूम होगा, मतलब यहाँ पे हमें V1 गिवन है। अब यहाँ पे प्रेशर भी हम फाइंड कर सकते हैं। टेम्परेचर इस क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है। अब क्या हो रहा है कि ये जो बबल है, ये बबल जब ऊपर चला जाएगा सरफेस पर, तो उस टाइम पे उसकी रेडियस कितनी होगी, मतलब वहाँ पे वॉल्यूम चेंज होने वाला है, रेडियस चेंज होगी, तो वो रेडियस हमें फाइंड करनी है। तो वहाँ पे कुछ अलग प्रेशर होगा P2, उसका वॉल्यूम कुछ अलग हो रहा है, इसके लिए तो रेडियस चेंज हो रही है। तो इस क्वेश्चन में टेम्परेचर की बात नहीं हुई है। इसका मतलब ये जो रिवर है उसकी डेप्थ दी है हमें 3.3 मीटर। अब इसकी डेप्थ दी है और ये रिवर मतलब फ्लोइंग वाटर है, वाटर फ्लो हो रहा है, डेप्थ भी कम है, वाटर भी फ्लो हो रहा है, मतलब इसके पार्टिकल्स मिक्स हो गए एक दूसरे के दूसरे में, तो इसलिए उसका टेम्परेचर जो होगा वो टेम्परेचर थ्रू आउट सेम हमें कंसिडर करना है। मतलब जब ये वाटर एयर बबल जब यहाँ पे था, तो उसका टेम्परेचर जो होगा वही सरफेस पर वही टेम्परेचर होगा। यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये वाटर का जो बबल है इनसाइड एयर, एक सिस्टम है, और यहाँ पे जाके वही सिस्टम चेंज हो रही है, मतलब उसके पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे तो पहले केस में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो पैरामीटर चेंज होने के बाद भी इसकी वैल्यू सेम आने वाली है, और कॉन्स्टेंट ही आने वाली है। अब टेम्परेचर थ्रू आउट सेम हो रहा है, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, तो ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे रेडियस, मतलब यहाँ का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा पहले, फिर रेडियस मिल जाएगी। स्पीयर है तो स्पीयर का वॉल्यूम पता है तो स्पीयर की रेडियस मिल जाएगी। तो पहले ये V2 फाइंड करना पड़ेगा, मतलब ये P1 V1 और ये P2 डिवाइड होगा, तो ये फाइंड करना पड़ेगा। तो V1 से रेडियस मिल जाएगी, और P1 क्या है, यहाँ पे प्रेशर कितना है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है ये कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो वाटर एयर बबल है, ये एयर बबल इस पानी के अंदर है, मतलब ये पानी का जो कॉलम होगा, ये कॉलम भी इस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। इस प्रेशर को हम बोलते हैं गेज प्रेशर, और गेज प्रेशर कितना होता है, H ρg, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है। अब इस सरफेस इतना डेप, इसलिए तो डेप दी है, तो यहाँ से हम प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एडिशनली एटमोस्फेरिक प्रेशर भी वहाँ पे है, मतलब P1 कितना हो जाएगा, तो ये P1 बन जाएगा ये गैस प्रेशर जो होगा H ρg प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर OB। अब ये H कितनी है, ये हाइट 3.3 मीटर में ही दिया है। रो डेंसिटी ऑफ वाटर ये भी दिया हमें 1000 × 10³। जी की वैल्यू 9.8×10 लेते हैं, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना दिया है, वो दिया है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 × 10⁵ पास्कल। मतलब ये प्रेशर P1 कितना आ गया, P1 आ गया ये 3.3 × 3 और ये 4 × 10⁴, और इसे ऐड करना है हमें 10⁵ में, तो हम क्या करते हैं, इसे 10⁵ बनाना है, तो एक डेसिमल इस साइड में ले लेते, तो ये आएगा यहाँ पे 0.3, और फिर अब इसे 10⁵ बना सकते हैं। तो 10⁵ दोनों से कॉमन ले लिया, तो ये आएगा 0.33, और ये यहाँ पे 1, तो 10⁵ कॉमन ले लिया, मतलब कि प्रेशर आ गया, P1 आ गया 1.33 × 10⁵ पास्कल, और P2 ऊपर जाने के बाद वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा 10⁵ पास्कल। तो इस तरह से ये वैल्यू मिल गई हमें, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो V2 तो यहाँ पे जाने के बाद ये वॉल्यूम तो वो कितना है, स्पीयर, स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³। तो इसे रेडियस
टू लिखते हैं, आर टू क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे पी वन, पी वन कितना मिल गया है, ये वाला पी वन 1.33 × 10^5 डिवाइड बाय पी टू मिल गया है 10^5 और वी वन कितना मिला है यहाँ पे जो था स्पीयर 4/3π रेडियस 1³ और इसकी वैल्यू भी दी है। तो पहले तो ये यहाँ पे कैंसिल होगा। अब ये भी इधर कैंसिल होगा तो आर टू क्या आ जाएगा, आर टू आ जाएगा, इसका क्यूब रूट लिया हमने तो ये आर वन का भी क्यूब रूट, मतलब ये 1.33 इसका भी क्यूब रूट। और ये आर क्यूब, आर कितनी दी है रेडियस 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर में दिए तो ये आर आर वन आएगा सिंपल, और इसकी वैल्यू पुट की तो ये आएगा इंटू टू, तो 1.33 का क्यूब रूट। तो यहाँ पे ऐसी क्यूब रूट की वैल्यू किसी को पता नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अगर वन होता तो पता है कि उसका क्यूब रूट कितना आता, वन आता। ये 1.3 है, मतलब ये क्यूब रूट जो आएगा ये वन से ज़्यादा ही आएगा, तो वन से ज़्यादा है तो अगर हम इसे 1.1 लेते हैं तो इसका क्यूब करके देखते हैं क्या आएगा, तो इसका 1.1 × 1.1 तो इसका तो आएगा 1.21। अगर और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 × 11 = 22, 23 × 11 = 11, 12 = 13 और ये 3 decimal, तो 1.33 मतलब ये आ रहा है, मतलब ये इसकी वैल्यू 1.1 की वैल्यू है। तो हम इसे लिखेंगे 1.1 × 2, तो आर टू की रेडियस मिल रही 2.2 मिलीमीटर, इतनी रेडियस मिल रही है क्योंकि ये आर वन ये मिलीमीटर में आ गया, और यहाँ पे प्रेशर प्रेशर तो दोनों का यूनिट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ए यूनिटलेस क्वांटिटी और यहाँ पे मिलीमीटर, तो इसका भी यूनिट आएगा मिलीमीटर में, तो यहाँ पे जाने के बाद उसकी रेडियस बन जाएगी 2.2 मिलीमीटर।